Robomate Plus, India's largest curriculum-based study app. Download the app now. वेलकम बच्चों, इस गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मेरे हाथ में छतरी है, बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए इस बारिश के मौसम में कुछ कविता पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक कविता गुनगुनाते हैं। बच्चों, कविता का नाम है सोंधी सुगंध, और इस कविता के कवि हैं कृपाशंकर शर्मा अचूक। तो आइए बच्चों, हम इस कविता की शुरुआत करते हैं इस बारिश के मौसम में। देखिए, बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए मैंने अपनी छतरी निकाल ली है और मिट्टी की खुशबू का आनंद ले रहा हूं। बच्चों, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, आपको भी इस बात का एहसास हो रहा है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बारिश के मौसम में मिट्टी की खुशबू की ये कविता। कविता की लाइन क्या है? सोंधी सोंधी सी सुगंध, आहा हा 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 हा, सोंधी सोंधी सी सुगंध। और आगे क्या होगा? माटी से बोली सोंधी सोंधी सी सुगंध, माटी से बोली। क्या बोली? कि बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध, माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ मिट्टी की सोंधी सुगंध बातें कर रही है। जब पहली बारिश होती है ना, तो जो मिट्टी की जो सुगंध होती है ना, जो सोंधी सोंधी महक होती है ना, वो मिट्टी से कहती है कि जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो धरती अपनी आंखें खोलती है, वो बातें करती है। बारिश की बूंदों की अनुभूति से धरती भी क्या होती है? प्रफुल्लित होती है, खुश होती है। और इसलिए जैसे ही बारिश थम जाती है, वैसे ही वो अपनी आंख खोलती है। आइए आगे देखते हैं कवि और क्या कहता है। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा। देखिए, मयूर आता हुआ। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा। अर्थ हुआ, मोर को भी बारिश का मौसम बहुत प्रिय है, अतः ये भी वर्षा ऋतु में खुश होकर कह रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और आगे देखते हैं क्या हो गया। सदियों का जो सपना है, जो हो जाए पूरा। और भीषण गर्मी के कारण धरती बंजर हो गई थी, बादल बरसने के बाद हरियाली अब चारों तरफ छा गई है, और धरती का जो सपना था ना, वो क्या हो गया है? अब पूरा हो गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। आगे देखते हैं बच्चों। एक यहां पर नहीं अकेला, अब ये मोर कह रहा है कि मैं यहां पर अकेला नहीं रहने वाला। तो क्या होगा? होगी टोली, मतलब सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, पूरी टोली के साथ। तो कवि कहना चाहता है कि भला वर्षा के आगमन से कौन खुश नहीं होता? प्रकृति के सभी अपादान अपनी अपनी टोली में एकत्रित होकर आनंद व्यक्त कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के इस सुहावने या मनभावन मौसम में कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता। आगे देखते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध, माटी से बोली।
क्या बोली कि सोंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है, इसमें जो इत्र है, इसमें जो खुशबू है वो और कहीं नहीं है, अर्थात वर्षा में सर्वत्र मोहक खुशबू छा गई है। Thank you for watching this video lecture. To watch more such interesting videos, attempt tests and to get instant analysis, download the Robomate Plus app now.